जिला आपदा प्रबंधन द्वारा गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी मेला देखते हुए भीम सरोवर के समीप कैंप को स्थापित किया गया है, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही ने किया, जिसके संबंध में उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट रविंद्र प्रताप शाही ने बताया कि खिचड़ी मेला में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा के दृष्टिगत NDRF SDRF 26वीं वाहिनी PAC की जल पुलिस नागरिक सुरक्षा तथा आपदा विभाग के मित्र सखी एवं स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। स्थापित कैंप के माध्यम से जन समुदाय के मध्य घटित होने वाली आपदाओं जैसे बाढ़, अग्निकांड, ब्रजपात, सर्पदंश, भूकंप, शीतलहर, नाव दुर्घटना आदि के दौरान क्या करें व क्या ना करें विषय पर हैंडबिल वितरण व वीडियो फिल्म लघु वृत्त चित्र के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आपदा मित्र सखी पर आधारित लघु वृत्त चित्र का अनावरण किया और आपदा मित्र व सखी से अपील किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जन समुदाय के मध्य आपदा न्यूनीकरण से संबंधित सूचनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें। इस अवसर पर ADM फाइनेंस व जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही ने कहा, ये कैंप लगाने का जो उद्देश्य था वो था कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको निर्देश दिया गया था कि ऐसा कैंप लगाया जाए जिससे अवेयरनेस भी फैले और अगर कोई ऐसी आपदा हो जाए खुदा न खास्ता तो उसको जल्द से जल्द जो है कंट्रोल में करते हुए जो लोग उससे प्रभावित हैं उनको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट या जिस तरह की भी उनको सुविधा देनी है उसको प्रदान किया जाए। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हमने ये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को बताया था कि एक ऐसा कैंप लगाइए जिससे जनता को अवेयरनेस भी मिले और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी हो। तो दोनों काम इस के हमने उनको उद्देश्य लेकर चले थे हम और जो आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से प्लानिंग हुई है ADM FR गोरखपुर के नीचे और उसकी सफलता का यहाँ पे नजर आ रही है कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपना काम किया है। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि हमारी प्रेजेंस से अगर आपदा हट जाए तो उसमें हमारी जीत है और आज हमको वही जीत हासिल होती नजर आ रही है। इसके अलावा बाकी भी जो आपदाएँ हैं उनसे भी हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, लीफलेट्स के द्वारा बातचीत करके जनता को संबोधित करके जो है और उनको क्या करना चाहिए, किस मौसम में क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से NDRF SDRF की सहायता मिल सकती है उनको, इन सब चीज़ों के बारे में हम उसको अवगत कराते हैं।